Now I am going to explain the second page of the chapter to you all. But before that, we will recite a beautiful poem. Now start with me. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Yes. So now I will read the page for you. Go to the toilet regularly. Take a bath every day. Wear clean clothes. So children, here are given some points which we have to do if we want to keep our body neat, clean and healthy, and we want to take care of our body. Go to the toilet regularly. We have to go to the toilet regularly once a day. Take a bath every day. We have to take bath every day. हमें every day क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए, नहाना चाहिए. We have to wear clean clothes. कैसे clothes पहने चाहिए every day हमें? हमें रोज़ after taking the bath, we have to wear clean clothes. Brush our teeth in the morning and at night. टीथ कितने टाइम ब्रश करने चाहिए? टू टाइम्स, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस कब करना चाहिए? एट नाइट. वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. और हमें अपने हैंड्स क्या करने चाहिए? वॉश करने चाहिए कभी भी बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग आवर मील्स. जब भी हमें खाना खाना है उसके पहले एंड आफ्टर दैट वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स. कीप आवर नोज एंड ईयर्स क्लीन. Nose and ears कैसे रखने चाहिए? Clean रखने चाहिए. When we take bath at that time, we have to clean our nose and ears also. Keep short and clean nails. बच्चों, what we have to do? We have to trim our nails after 2 or 3 days because nails में क्या होता है? Germs हो जाते हैं, dust आ जाती है. That's why जब हम खाना खाते हैं that time that germs or the dirt or dust will go inside our tummy and it will make us unhealthy. So we have to keep our nails short and clean. Eat fresh proper food at time. हमें अपना खाना टाइम पर खाना चाहिए एंड ऑलवेज वी हैव टू ईट फ्रेश फ्रूट फूड. कैसा फूड खाना चाहिए? फ्रेश फूड खाना चाहिए एंड एट प्रॉपर टाइम. इन द मॉर्निंग वी हैव टू टेक ब्रेकफास्ट एंड देन इन आफ्टरनून वी हैव टू टेक अवर लंच एंड देन एट नाइट वी हैव टू टेक अवर डिनर. ड्रिंक फ्रेश एंड क्लीन वाटर. हमें कैसा वाटर पीना चाहिए? फ्रेश एंड क्लीन. एक्सरसाइज डेली टू कीप बॉडी एंड माइंड फिट. और टू कीप अवर बॉडी फिट एंड माइंड ऑल्सो फिट वी हैव टू एक्सरसाइज डेली. क्या करना चाहिए हमें? रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करने चाहिए, एरोबिक्स करने चाहिए. उससे हमारी माइंड एंड बॉडी दोनों कैसे रहते हैं? फिट रहते हैं. टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप. और इफ़ वी वर्क फॉर द होल डे, अगर हम पूरे दिन काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? हम लोग वी विल फील टायर्ड, थक जाएंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप. हमें प्रॉपर एट नाइट वी हैव टू टेक स्लीप. और अगर दिन में भी कभी हम लोग का वी डोंट हैव एनी वर्क तो क्या करना चाहिए? हमें रेस्ट करना चाहिए और प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी एंड माइंड दोनों कैसे रहेंगे? एक्टिव एंड फिट. सो चिल्ड्रन, इन दिस वे वी कैन टेक केयर ऑफ अवर बॉडी एंड कीप आवर सेल्फ एक्टिव, हेल्दी एंड फिट. सो हियर we use different things to keep our body clean. Here are the pictures of few things which we use to keep our body healthy and clean.
यहाँ पर पिक्चर्स हैं किस चीज़ों की जो हम यूज़ करते हैं टू कीप अवर बॉडी क्लीन. ये सब चीज़ें वी यूज़ फॉर कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन ना. लाइक द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ टूथब्रश. सो व्हाई डू वी यूज टूथब्रश? वी यूज़ टूथब्रश टू कीप आवर टीथ क्लीन. क्या करते हैं टूथब्रश से? हम अपने टीथ क्लीन करते हैं. तो इट इज़ यूज फॉर कीपिंग आवर बॉडी क्लीन. सेकेंड इज टूथपेस्ट. वी वैन वी डू टूथब्रश वॉट वी डू? वी हैव टू पुट ऑन द टूथपेस्ट ऑन द टूथब्रश फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी यूज द टूथब्रश. सोप. वी ऑलवेज नीड सोप टू वॉश अवर हैंड्स एंड टू टेक बाथ. नेल क्लिपर. वाई डू वी यूज नेल क्लिपर? टू ट्रिम अवर नेल्स. कोम. वी यूज कोम टू कॉम अवर हेयर. एयरबर्ड. वी हैव टू यूज एयरबर्ड टू क्लीन अवर एयर्स. हमें हमेशा अपने एयर का ऐसे क्लीन करने चाहिए एयरबर्ड से. एंड देन हेयर ऑयल. वी हैव टू ऑयल अवर हेयर. सो चिल्ड्रन, दीज आर द few things which we use to keep our body clean. These things are helpful in keeping our body clean. Now tell me, would you like to share your toothbrush, comb, towel with your friend? If not, why? Tell me, do you like to share your toothbrush, comb, towel with your friend? If yes, then say yes. If no, then say no. And why no? Okay. I know that you all are saying something and giving the answer. Now, I will tell you that you have to share or not. Children, we don't have to share our toothbrush, comb or towel with anyone because we have to use our own towel, toothbrush, comb, for ourselves only. We don't have to share these things because these are our personal things, and if someone is having any problem and we share these things, that problem will come to us also. So never use or share these things with someone else. We always have to use our own toothbrush, our own comb, our own towel, and we have to clean these things also. So in this way we can take care of our body. Now at last, we should take good care of our body to stay healthy. What we have to do? We have to take care of our body to stay healthy. Children with healthy habits stay fit and fine. Why we have to take care of our body? To keep ourselves fit and fine. We use different things to keep ourselves clean. How can we keep ourselves clean? By using different things. Now we will do the keywords or the difficult words of the chapter. Healthy. What is the meaning of healthy? Repeat with me. The meaning of healthy is fit. What is the meaning of healthy? Fit. Second one is exercise. What is the meaning of exercise? Activity to improve health and fitness. Exercise, activity to improve health and fitness. Repeat with me. Activity to improve health and fitness. Regularly, again and again. What is the meaning of regularly? Again and or often. Again and again or often. What is the meaning of regularly? Again and again.